सुप्रभात बच्चों, कक्षा 11वीं में हम गृह विज्ञान में पढ़ेंगे। आज प्रश्नों का उत्तरों का अभ्यास करेंगे। कोशिका संरचना, कोशिका के बारे में बताएंगे हम आज कि कोशिका के क्या परिभाषा है, कैसे कोशिका किसे कहते हैं। जैसे मानव शरीर एक मकान की तरह बना होता है छोटी छोटी ईंटों के द्वारा, और यही छोटी छोटी सजीव ईंटों का बना ही बनी ही कोशिकाएं कहलाती हैं, जो सेल्स कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्नों को हमको हल करना है। प्रश्न है कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका एक आवरण से घिरी हुई संरचना है, जीव द्रव से बनी हुई प्राणी के शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीव पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम होती है। कोशिका एक छोटी इकाई है, एक छोटी इकाई है, छोटी इकाई के रूप में होती है, के रूप में होती है कोशिका। हम कोशिका कहते हैं। अब प्रश्न दूसरा है डीएनए और आरएनए के कार्य लिखिए कि डीएनए हमारे शरीर में किस तरह कार्य करता है और आरएनए हमारे शरीर में किस तरह कार्य करता है। तो हम देखेंगे अब डीएनए शर्करा डीऑक्सी रिबोज होती है इसमें, और आरएनए में रिबोज होती है। इसमें क्या होती है डीएनए में? डीऑक्सी, डीऑक्सी रिबोज यानी शर्करा होती है। यहाँ क्या होती है इसमें? शर्करा। और आरएनए में सिर्फ रिबोज होता है। अब इसके अंदर की और आगे हम पढ़ेंगे कि क्या है। डीएनए में पाए जाने वाले क्षार थायमिन के रूप में उस स्थान पर होते हैं, और आरएनए में यूरेसिल के नामक समाक्षार होता है। डीएनए में क्या होता है? थायमिन के स्थान पर होते हैं, और आरएनए में यूरेसिल नामक समाक्षार होते हैं। समाक्षार एक साथ, फिर आरएनए के अणुओं की संख्या द्विगुणित होने की शक्ति नहीं होती है। और डीएनए में क्या होता है? ऐसा हुआ दोहरा सूत्र होता है। क्या होता है डीएनए में? दोहरे सूत्र की रचना होती है, और दोहरे सूत्र से बना होता है। आरएनए एक सूत्र होता है। आरएनए कैसा होता है? एक सूत्र होता है। और डीएनए में नाइट्रोजन क्षार सदैव होता है, सदैव एक निश्चित अवस्था में रहता है, और आरएनए में नहीं होता। डीएनए में होता है क्षार के रूप में, नाइट्रोजन क्षार के रूप में, और एक निश्चित अवस्था में होता है, लेकिन आरएनए में नहीं होता है। प्रश्न तीसरा है कि कोशिका की संरचना बनाएं और लिखें। तो हम देखेंगे कोशिका की संरचना के बारे में कि कोशिका को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसकी रचना अत्यंत सरल दिखाई देती है, और नाभिक कला से यह घिरा होता है, और इसमें केंद्रद्रव या निकोप्लाज्मा पाया जाता है। कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म अंग
बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं और पानी के कारण कोशिका द्रव अर्धपारसक तथा गाढ़े से दिखाई देते हैं। अब हम इसकी संरचना देखेंगे कि ये जैसे ये बनी हुई है कोशिका, कोशिका कला ये बाहरी आवरण कोशिका कला का, तो क्या बोलते हैं कोशिका कला। फिर ये जो ये अंडाकार रचना दिख रही है क्या है कांड्रियोसोम। फिर इकट्ठी हुई ये रचना है गोल्जी बॉडी सेंट्रोसोम जो ये गोला आकार का है अंदर यहाँ के कोशिका के अंदर। वैक्यूल खाली संरचना ये क्या है वैक्यूल धानी, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में धानी। और फिर ये क्या होता है अंतरजालिका, ये अंदर कोशिका के अंदर इस टाइप से रचनाएं जो होती है जाल बनाए हुए इन्हें अंतरजालिका बोलते हैं। फिर लाइसोसोम एक ट्रायंगल के आकार की ये रचनाएं पाई जाती हैं कोशिका के अंदर सूक्ष्मदर्शी में देखने पर, उसे बोलते हैं लाइसोसोम। फिर ये क्या है केंद्रक है ना, ये छोटी सी जो बताई है ये क्या है वैक्यूल। फिर केंद्रिका ये छोटी संख्या बताई है केंद्रिका है ना, और ये केंद्र द्रव भरा होता है ना, क्या भरा होता है ये निकोप्लाज्मा मेम्ब्रेन भरी है, निकोप्लाज्मा से घिरी हुई होती है साइटोप्लाज्मा कहलाता है, और ये पानी के कारण अर्ध पारदर्शक दिखते हैं और गाढ़ा द्रव के समान दिखाई देती है। इसकी संरचना के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की रचना, माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का शरीर की ऊर्जा की इकाई बोलते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि और प्रश्नों के उत्तर हमें क्या लिखते हैं। ऊतक की परिभाषा लिखी है, ऊतक की परिभाषा एक ही बनावट तथा कार्य के समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। एक ही बनावट की कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं ऊतक कहते हैं। ऊतक सारे समूह का बना हुआ जाल ऊतक कहलाता है। ऊतक के प्रकार उपकला ऊतक, मांसपेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और नाड़ी ऊतक है ना। उपकला ऊतक इनका कार्य है सुरक्षा करना, स्राव उत्पन्न करना, शोषण करना आदि कार्य करते हैं। मांसपेशियां ऊतक मांसपेशियों को पलुति प्रदान करते हैं, आकार प्रदान करते शरीर को है ना, और इनका कार्य है शरीर को एक आकार देना। फिर इसी में ही संयोजी ऊतक बताएं, संयोजी ऊतक में बहुत सारी जालिकाओं के द्वारा ही बना हुआ संयोजी ऊतक कहलाता है ना। फिर स्नायु या नाड़ी ऊतक, स्नायु नाड़ी ऊतक, नाड़ी यानी ये नर्वस सिस्टम हमारे संवेगों को सुनने की, जैसे कोई करेंट कुछ भी छुआ हमने तो हमको ये संदेश देता है कि हमें करेंट लग जाएगा, ये नाड़ी ऊतक है ना। नाड़ियों के द्वारा हमें पूरे शरीर में संवेग उत्पन्न करने का काम करते हैं। अब प्रश्न 5 देखेंगे कि क्या लिखना है हमें कॉपी में। कोशिकाओं के प्रकार लिखते हैं। आज पहला है कोशिकाओं के प्रकार क्या है, अस्थि कोशिका, क्या है अस्थि कोशिका, रुधिर कोशिका, तंत्रिका कोशिका, पेशीय कोशिका, संयोजी कोशिका, उपकला कोशिका। तो अस्थि कोशिका क्या, अस्थियों का अस्थि को कोशिकाएं बनाती हैं। फिर रुधिर कोशिका रुधिर पहुंचाती है, हमारे पूरे रुधिर में कोशिकाएं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्रश्न 6 में क्या बताया। हृदय पेशी का चित्र बनाइए, हृदय की पेशियों का चित्र, और उनके बारे में बताइए कि कौन सी रेखित होती, कौन सी अरेखित या अरेखित, जो भी पेशियां हैं उनके बारे में। पहले तो चित्र देखेंगे, हृदय पेशी का चित्र किस टाइप से होता है, लकड़ी के आकार के जैसे,
लकड़ियां होती है साइड से वैसी संरचना इनकी बनी होती है। ये क्या कहलाती है? ये रेखित पेशियां, रेखित रेखित पेशी होती है। ये इधर हृदय की पेशियां ऐच्छिक होती है। कौन से वर्ग में आती? ऐच्छिक वर्ग में आती है। सांस लेना छोड़ना हम अपने आप से कर सकते हैं। अंडाकार पेशियां होती है इसकी। कैसी होती है ये बीच बीच में? ये अंडाकार संयोजी ऊतक, ये लाइनों का बीच बीच में खंडित भाग में बनी होती है और इनकी क्रियाएं अनैच्छिक होती है। संयोजी ऊतक कैसी क्रिया होती है? अनैच्छिक, अपने इच्छा के द्वारा नहीं कर सकते, है ना। जैसे हम पलक झुकाना, है ना, हृदय की सांस लेना या छोड़ना और हाथ पैर चलाना अनैच्छिक, हाथ पैर नहीं भी चला सकते उसको अनैच्छिक भी कर कह सकते हैं। और ऐच्छिक भी हमारी इच्छा के ऊपर आता है कि हम हाथ हिलाए, हाथ का क्या करें, एक्सरसाइज करें नहीं करें, ये सब आपकी हृदय पेशी के चित्र के बारे में बताया कि हृदय की पेशियों के बारे क्या है, हृदय की पेशी का चित्र क्या होता है और इनमें न्यूक्लियस भी होता है। हृदय की पेशी किसमें आती है? ऐच्छिक वर्ग में आती है। आज का पाठ आपका आपका कोशिकाओं का पूरा एक गृह कार्य है और इनको आपको कॉपी में लिख